गुड इवनिंग। आज हम बारिश के टाइम पर बहुत ही चटपटा स्नैक बनाने जा रहे हैं, और ये है चना दाल और आलू की क्रिस्पी टिक्की। तो चना दाल और आलू हमेशा घर पर इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसे किसी भी समय बना सकते हैं। और रेसिपी बनाना आसान है। 1 कप हमने चना दाल को 15 मिनट के लिए सोक कर लिया है। इसके बाद प्रेशर कुकर में नमक और हल्दी डालकर आधा से पौन कप हम पानी डालेंगे। इसे एक विसल आने देंगे। इसके बाद बिल्कुल सिम पर इसे हमें 5 से 7 मिनट छोड़ देना है। खास ख्याल आपको ये रखना है कि चना दाल जो है वो ओवर कुक नहीं हो। देखने में ये इस तरह से खड़ी और अलग अलग दिखनी चाहिए, और दबाने पर ही अच्छे से अंदर से कुक हुई हो, तो इसका ध्यान रखें। इसके साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च और 6 कली लहसुन की हमने हमाम दस्ते में थोड़ी क्रश कर ली है। चना दाल की हमें स्टफिंग तैयार करना है, तो इसे हम सौते कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया मैंने। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम 1 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें हम हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो हींग आप ज़रूर डालें। इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च क्रश कर ली थी वो भी डाल देंगे, और इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए सौते करना है। गार्लिक को हमें ज़्यादा लाल या ब्राउन नहीं करना, तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी अच्छी खुशबू आएगी, तब हम इसमें चना दाल भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें चना दाल भी ऐड कर लेते हैं। चना दाल को हमें 2 से 3 मिनट सिम पर अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा चना दाल को हम भून लेंगे, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक तो वैसे हमने डाला था, पर थोड़ा सा नमक इसमें और जाएगा, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक हमने इसमें डाल दिया है। आप इसे बना लेने के बाद थोड़ा टेस्ट करके नमक एडजस्ट भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, अमचूर पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो चाट मसाला भी या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर अमचूर पाउडर हमें सबसे ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि चना दाल की जो स्टफिंग है हमें थोड़ी सी चटपटी और स्पाइसी बनानी है, क्योंकि आलू का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा, स्पाइसी और थोड़ा खट्टा बनाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अगर ज़रूरत रही तो हम थोड़ा सा नमक और अमचूर पाउडर और डालेंगे। तो नमक, थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा अमचूर पाउडर हमने और डाल दिया। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें हमने डाल दिया है। आपके पास अगर थोड़ा सा पुदीना पत्ती है तो वो ज़रूर डालें। गैस का फ्लेम बंद कर दिया हमने, इसे मिला देंगे। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में ठंडा होने के लिए। अब हम आलू का जो आउटर लेयर है उसे बना लेते हैं। इसे हमें बहुत ही सिंपल रखना है। सिर्फ हम इसमें थोड़ा सा नमक और बाइंडिंग के लिए अरारोट डालेंगे। तो 5 मीडियम साइज़ के आलू कद्दूकस करके लिए हैं मैंने, तो 5 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। आप चाहें तो अरारोट भी इसमें ले सकते हैं। ये इसमें हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, तो 5 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया, और इसे हम अच्छे तरह से मिला देंगे। एक डो जैसा इसे हम बना देंगे। इसमें हमने सिर्फ नमक ही डाला है, बाकी जो चना दाल की स्टफिंग है उसे हमने थोड़ा स्पाइसी और चटपटा रखा है। थोड़ा सा ऑयल इसमें हम लगा लेंगे ताकि हाथ में ये चिपके नहीं। आलू भी रेडी है और स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, तो हम चना दाल स्टफ टिक्की इसमें से अब बना लेंगे। थोड़ा सा हथेली पर हम ऑयल लगाएंगे, और इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन आलू का हम उठा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें चना दाल स्टफ़ करनी है। तो थोड़ा सा हमने आलू ज़्यादा ही उठाया है। इसे हाथ से फ्लैट कर लेने के बाद इसमें हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे, और उसमें हम स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से हम हथेली में इसे हम रखेंगे, और इसमें हम चना दाल डाल देंगे। तो स्टफिंग आप प्रॉपर मात्रा में रखें, जब टिक्की खाएं तो उसका फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। तो 2 टीस्पून के करीब स्टफिंग इसमें मैंने डाल दी। अब हम इसे साइड से बंद कर देंगे, तो इस तरह से सारे साइड्स इसके आप लॉक कर दें और इसे गोल शेप में लेके आएं। पहले इसका कोई भी रफ शेप आ जाएगा, इसके बाद आप धीरे धीरे इसे फ्लैट करके गोल शेप दे दें। तो इस तरह से बंद कर दिया इसे अच्छी तरह से हमने, और साइड से अब इसे हम थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ हम बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है।
बस इसमें जो चना दाल की स्टफिंग है उसे आप प्रॉपर मात्रा में भरें ताकि जब इसे खाएं तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगे। तो इसी तरह से इसे फैला के हमने इसमें 2 चम्मच स्टफिंग भर दिया। स्टफिंग को थोड़ा अंदर की तरफ हम दबा लेंगे। अच्छी तरह से स्टफिंग इसमें हमने भर ली है। इसके बाद इसे हम चारों तरफ से बंद करके इसे फ्लैट करके गोल शेप दे देंगे। इसी तरह से हम चना दाल आलू की सारी टिक्कियां बनाते जाएंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं लेना, डीप फ्राई जैसा तेल इसमें नहीं लेना। 1.5 कप हमने ऑयल लिया है ताकि इसमें सिर्फ टिक्की डिप हो जाए, इतना ही ऑयल हमने लिया क्योंकि काफ़ी भारी टिक्की है स्टफिंग वाली, तो ज़्यादा तेल में ये टूट भी सकती है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया। तो 3 टिक्की मैंने एट ए टाइम डाली है और इसे एक तरफ से अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गैस का फ्लेम अब मैंने मीडियम हाई रखा है, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने अरारोट डाला है तो इसमें कच्चा फ्लेवर भी आता है कई बार। तो थोड़ा सा इसे हम फ्राई होने देंगे अच्छी तरह से, एक तरफ से, दूसरी तरफ फिर हम पलट देंगे। बेसिकली दोनों तरफ से इसे हमें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी कर लेना है। थोड़ा सा आलू की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आलू आपने नए लिए हैं तो टिक्की थोड़ी सी सौगी हो जाती है, तो आलू आप अच्छे से चूज़ करें, जो ठोस और कड़क आलू होते हैं इसमें आप लें। तो इसे पलट के हमने दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसके बाद आप इसे टिश्यू पेपर पर निकाल दें। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर टिक्कियों पर आ गया है, तो थोड़ा सा ऑयल को हम ड्रेन करते हुए इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। दोस्तों कई बार इसे आपने शादियों में स्नैक्स के स्टॉल पे खाया होगा। इसे मीठी चटनी, हरी चटनी और दही और बारीक सेव डाल के सर्व किया जाता है, तो आप इसे उस तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर सिंपली इसे ग्रीन चटनी और सॉस के साथ आप सर्व कर दें। तो इसे हमने थोड़ा सा हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डालकर हरी चटनी के साथ सर्व कर दिया है। आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारिश के टाइम में इस स्पाइसी चटपटी चना दाल टिक्की को ट्राई ज़रूर करें। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो